बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 8, लेक्चर नंबर 22। टॉपिक है हमारा मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड, यानी इंसानी फूड में कौन कौन से कंपोनेंट हैं या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर है हमारे पास लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स और विटामिन ईटीसी। आज इनमें से हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक यूनिट है वो है हमारे पास ग्लूकोज, जिसका फार्मूला आप सबको पता, C6H12O6, और इसी से फर्दर बाकी चीज़ें बनती हैं, जैसे जिनमें शामिल हैं आपके पास माल्टो, सुक्रोज, स्टार्च, ईटीसी, ये सब चीज़ें। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स, तमाम एनिमल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट बेसिक सोर्स है। तो इसमें हम अगर बात करें तो तकरीबन अबाउट हाफ टू टू थर्ड ऑफ द टोटल कैलोरीज एवरी एनिमल कंज्यूम डेली फॉर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी उसने गेन करनी होती है वो तकरीबन इतनी एनर्जी पर डे में इन्हें कार्बोहाइड्रेट से ही हासिल होती है। ग्लूकोज इज़ द कार्बोहाइड्रेट मोस्ट ऑफन यूज एज एन एनर्जी सोर्स, इट इज़ मेटाबोलाइज ड्यूरिंग। अच्छा, इसमें इसकी जो तैयारी है मेटाबोलाइज, इसका जो भी रिएक्शन चलेंगे प्लांट्स में, फोटोसेंसिस के प्रोसेस से ये तैयार होते हैं और साथ ही एटीपी एनर्जी भी स्टोर होती है। इसके अलावा हम बात करें कि और जो कार्बोहाइड्रेट्स अभी एग्जांपल मैंने शुरू में बताई हैं वो कौन सी हैं, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, सारे। तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है कि कितनी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स की हासिल कर सकते हैं हम पर ग्राम से, वो है 4 किलो कैलोरीज। सोर्सेज क्या हैं, यहाँ से इसके सोर्सेज की बात आ जाएगी। सोर्सेज हैं ह्यूमन गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फूड लाइक ब्रेड, पास्ता, बीन्स, पोटैटोज, ब्रॉन, ईटीसी, ये सब चीज़ें इसके सोर्सेज में आती हैं। फिर है लिपिड्स। लिपिड्स जो हैं वो किसके बने होते हैं, फैटी एसिड के बने होते हैं, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के, C3H8O3 गालबन इसका फार्मूला है। तो फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड, दो तरह के फैटी एसिड होते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन जो बांड होता है वो तमाम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, दूसरे लफ्ज़ों में सिंगल कोवलेंट बांड होता है कार्बन और कार्बन। जबकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें कार्बन और कार्बन डबल बांड पाया जाता है। अगर हम बात करें इनकी के इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, ज़रा ज़हन में रखें कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होंगे, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, कहता है कि तकरीबन 75% सैचुरेटेड और 30% अनसैचुरेटेड होते हैं बटर में, जबकि सनफ्लावर ऑयल उसने बात की है तो इसमें तकरीबन 75% अनसैचुरेटेड होते हैं। तो लिपिड्स के फंक्शंस क्या हैं, लिपिड्स आर यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स, ये जो हमारी स्किन मेम्ब्रेन है, शेल्स ऑफ शेल्स सराउंडिंग न्यूरॉन्स, आपने 8th क्लास में न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, वहाँ पे शेल जो होता है ऑयली सी बनी होती है वो, एंड सर्टेन हारमोन्स, कई हारमोन भी बनाते हैं। लिपिड्स आर आल्सो एक्सट्रीमली यूज एनर्जी सोर्स के तौर पर भी। अब 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कितने एनर्जी रखते हैं जी, 9 किलो कैलोरीज एनर्जी रखते हैं। इसके सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज की यहाँ से आपको अलग हेडिंग करनी होगी। सोर्सेज जो हैं उसके मिल्क है, बटर है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपने पहले तो ये बता दें डेफिनेशन के तौर पे, फिर टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स आपने करनी है, दो टाइप्स हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, फिर इसकी एग्जांपल्स में आपने हेडिंग देख एग्जांपल लिखनी है, हर एक की अलग अलग लिखनी है, फिर इसके बाद इसका फंक्शन लिखना है कि इनका फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन में आ जाता है या इंपॉर्टेंस आप कह सकते हैं। तो आखिर में इसके सोर्स है, ये तकरीबन 4 हेडिंग्स बनेंगी, ये इस तरह हेडिंग के साथ आपने ये टॉपिक लिखना है, ऐसे ही नहीं लिखना। इसके बाद प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो अमाइनो एसिड, यहाँ पर याद रखें अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक, फैटी एसिड्स लिपिड्स के, और कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लूकोज।
तो प्रोटीन्स जो हैं वो आपको मैंने बता चुका, अमीनो एसिड से बने होते हैं, और बॉडी रिक्वायर अमीनो एसिड टू प्रोड्यूस न्यू बॉडी प्रोटीन। जैसे कि हमारे जिस्म में अगर चोट वगैरह लग जाए, रिप्लेस हो जाए, तो वहाँ पे भी ज़ख्म को भरने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और एनर्जी के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं। इसने आखिर में बताया, प्रोटीन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन एंड तमाम तमाम किस्म के ऑर्गेनलीज हैं, मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, सब सब प्रोटीन हैं। दे आर आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स, हमारे मसल्स के भी, लिगामेंट्स, टेंडेंस। लिगामेंट्स और टेंडेंस आपने आपको मैं बता देता हूँ, आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये हमारे मसल्स, ये बाजू की है, ये जो मसल्स होते हैं, मसल्स के यहाँ पे एंड में, ये देखिए, ताकि ये मूव करा सके, ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये टेंडेंस होते हैं, और जो जोड़ के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं उसके दरमियान जो ये लेयर सी पाई जाती है, इसे हम नाम देते हैं लिगामेंट्स का, ताकि ये जो जॉइंट जो हैं वो डिसलोकेट ना हो जाए। तो नेक्स्ट देखें ज़रा, हम बात करते हैं आगे इसकी, कि इसके सोर्सेस, इसकी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेंट्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ये MCQs के तौर पे लाजमी पूछे जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। फिर है हमारे सामने डाइट्री, ये इसके सोर्सेज। इसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, जो ऊपर हमने तीनों पढ़े वो सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं, ये इनऑर्गेनिक हैं। और ये दो तरह के होते हैं, ट्रेस मिनरल और मेजर मिनरल्स। ट्रेस मिनरल वो जो कम मिकदार में ज़रूरत हों, और मेजर मिनरल वो जो ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर हों। और इसके बाद इसने नंबर भी बता दिया, 100 मिलीग्राम से ज़्यादा जो अगर ज़रूरत होंगे वो मेजर हैं, जो कम होंगे वो ट्रेस है। इसके बाद इसने कुछ टेबल दिया हुआ है, ये आप लोग स्टूडेंट्स ने खुद अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, मिनरल्स और मेजर दोनों के बारे में बता दिया। ये था आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।